कैसे हो आप साहब? ठीक हो ना? आज 29वां रोजा अमूमन आज लास्ट रोजा हो सकता है। अगर आज लास्ट रोजा हुआ और कल ईद हुई तो हमें यूं ही ईद मनानी पड़ेगी। इसलिए अभी चलते हैं कटिंग करवाने, और कटिंग करवा के जल्दी वापस आते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करती हैं। वेलकम बैक टू द न्यू विलो। 2000 years later. हेलो जी, बाबा जी कटिंग करवाए हम। कैसा लग रही है कटिंग? अच्छी लग रही है ना ये वाली कटिंग? तो कटिंग मुझे इसलिए करवानी थी क्योंकि आज है 29वां रोजा। अगर हम आज कटिंग ना करवाते और आज चांद नजर आ जाता तो हमने पहली वाली लुक में ईद गुजारनी थी। इसलिए मुझे अब कटिंग करवानी जानी पड़ी क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं है कटिंग की, हम टाइम से ही कटिंग करवाए हैं। अगर आपको ये वाली मेरी कटिंग अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और चले अब जल्दी नहाते हैं, उसके बाद आपको मिलेंगे हम अफ्तार टाइम। नहाने के बाद मैं सो जाऊंगा। A few moments later. हाय हाय, अब मैं उठ गई हूँ क्योंकि कटिंग करवाने गया था। कटिंग करवा के जब मैं आया तो बहुत थका हुआ था और नींद भी नहीं मेरी पूरी हुई हुई थी। अब आके सो गया था और मैंने आपको बताया था कि मैं अफ्तारी के टाइम उठूंगा। अब अफ्तारी का टाइम हो गया है, सिर्फ एक मिनट या दो मिनट रह गए हैं अमूमन के। ये आज हमारी लास्ट अफ्तारी हो सकती है इस साल की, रमज़ान की। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल करे। और मैं दुआ करता हूँ कि जिस जिसने पूरे रोजे रखे और अल्लाह ताला उन सब के रोजे कबूल फरमाए। अब चलें, अब अफ्तारी करते हैं और उसके बाद चांद देखेंगे। रोजा खुल गया है, अफ्तार हो गया है। आज वाला भी रोजा बहुत लग रहा है। आप सबको मेरी तरफ से 29वां रोज़ा मुबारक हो। जैसे कि आप सबको पता है कि आज ईद का चांद देखा जाना था, वो देखा जा चुका है। और कुछ जगह पर पेशावर में शहादतें मसूल हुई हैं और पंजाब कराची कोयटा में कोई भी शहादत मसूल नहीं हुई। अब उसका ऐलान हो रहा है, वो ऐलान सुनते हैं कि क्या है ये ऐलान हो रहा है। अब सुनते हैं, फिर आपको भी बताएंगे चांद नज़र आया या नहीं। चांद नहीं नजर आया क्योंकि मैं बाहर नहीं निकला ना, मैं बाहर नहीं निकला। मैं निकला होता तो चांद नजर आ जाना था। अब चांद नजर नहीं आया इसलिए ईद होगी मंगल को, क्योंकि ऐलान हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ईद उल फितर 3 मई ब्रॉस मंगल को होगी। चले अब हम तरावियां पढ़ने चलते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी शॉपिंग करने चलेंगे। तो कल 30 रोजे रखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 30 रोजे हम पूरे रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट तरावियां हो रही हैं, इस रमजान की लास्ट तरावियां कही जा रही हैं। हाय हाय हाय, जैसे कि आप सबको पता है कि आज 30वां रोज़ा हम रखने के लिए उठे हैं। रात को चांद नज़र क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं बाहर नहीं निकला। मैं निकला होता तो चांद नज़र आ जाना था। तो आज हम 30वां रोज़ा रखने के लिए उठे हैं। आप सबको मेरी तरफ से 30वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने रात को शॉपिंग भी करने जाना था, वो मैंने ही किया क्योंकि मैं सो गया था और अभी उठाऊँ। तो अब जल्दी सैरी करते हैं और 30वां रोज़ा रखते हैं और उसके बाद आज शॉपिंग करने चलेंगे। आपको भी लेके चलेंगे उस अपने साथ शॉपिंग करने। चलें आप चुप करके सैरी करते हैं और आप सबको वंस अगेन मेरी तरफ से 30वां रोज़ा मुबारक
हो। इस टाइम सारे मिलते हुए इत्तेफाक ख़त्म हो गया और इत्तेफाक ख़त्म होने के बाद ये सारे मिल रहे हैं इस टाइम, आप देख सकते हैं, और हम भी जाके मिलते हैं। घर को वापस। जैसे कि आप सबको पता है कि आज से रमज़ान अम से अलविदा हो गया, 30वां रोज़ा था आज, हमने 30वां रोज़ा अफ्तार कर लिया और हमसे रमज़ान अलविदा हो चुका है। और आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो, और जो लोग इत्तेकाफ़ में बैठे हुए थे उन सबको हमने मुबारकबाद दे दी। मुबारकबाद देने के बाद अल्लाह पाक उन सबका इत्तेकाफ़ कबूल फरमाए। तो आप सबको मेरी तरफ से दोबारा चांद रात मुबारक हो। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब। ये बटन नज़र आ रहा है, ना रेड कलर वाला बटन नज़र आ रहा है ना, इसको दबाओ और ग्रे कर दो। ग्रे नहीं मैं कहता हूँ, दबा ही दो, बस ऐसा दबाओ कि 1K मेरा पूरा करवा दो, फिर मैं आपके लोगों के साथ पार्टी करूँगा। 1K पूरा करवाओ, मैं आपके लोगों के साथ पार्टी करूंगा बाहर आउटिंग पर, देखना। और ओके, पप 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 पप्पा।